सिक्किम में मंगलवार देर रात करीब 1:30 बजे बादल फटने की घटना में अब तक 14 लोगों की मौत पुष्टि की गई है, जबकि 26 घायल और 102 लोग अब भी लापता है, जिसमें सेना के 22 जवान शामिल है। आशंका जताई जा रही कि नेपाल में आए भूकंप से सिक्किम की लोहनक झील टूटी, उसका दायरा यह तिहाई रह गया। जब बादल फटा तो झील इतना पानी रोक नहीं पाई, इससे तिस्ता नदी में बाढ़ आ गई और नदी का जलस्तर 15 से 20 फीट तक बढ़ गया। नदी से लगे इलाके में भी आर्मी कैंप था जो बाढ़ में बह गया और यहीं खड़ी 41 गाड़ियां डूब गई।